स्वस्थ एवं निरोगी जीवन जीने के लिए स्थानीय विलुप्त होते उत्पादों का क्या महत्व है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा गुआ बीत में पोषाहार दिवस मनाया गया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें पारंपरिक उत्पादों से कौन कौन से पकवान बनाए जा सकते हैं और इनमें कितनी पौष्टिकता होती है विस्तार से बताया गया। ग्रामीण महिलाओं को बताया कि सदियों से पारंपरिक फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन लोगों ने समय के साथ साथ इन्हें उगाना छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि स्वस्थ व निरोगी और लंबी आयु जीने के लिए जरूरी है कि हम बिना रसायनों के प्रयोग से तैयार फसलों का ही प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि बाजार में आज जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनमें वे रसायनों की छिड़काव से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो जंक फूड आधुनिकता की दौड़ में खाया जा रहा है वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय बर्देल ने बताया कि देश प्रदेश में कुपोषण का स्तर बढ़ रहा है और देखते ही देखते हमारे पारंपरिक अनाज से बने पकवानों को महत्व दें। उसे देखते हुए हमारी पारंपरिक अनाज से बने पकवानों को ही महत्व दे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 26% बच्चों का ग्रोथ आयु के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये दर पूरे भारतवर्ष में 38% है, जबकि शिमला जिला में ये दर 20% है। उन्होंने बताया कि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लौह तत्व की आवश्यकता रहती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 54% महिलाएं एनीमिक हैं। ये आंकड़ा शिमला जिले में 59% है, जबकि शिमला जिले में फलों की काफी पैदावार होती है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ज्वाला देवी ने बताया कि हमारा पुराना अनाज जैसे ओगला, कोदा, फाकरा जो आदि को अब लोग बोल चुके हैं और बाजारों की चीजों पर और बाजारों की चीजों पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिनमें केमिकल अधिक होता है। आज हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं ने स्थानीय उत्पादों को बनाकर प्रदर्शित किया था और लोगों को इसके सेवन से मिलने वाली पौष्टिकता के बारे में भी बताया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा ने बताया कि हमारे धारा घोरा पंचायत में पोषण माह के तहत लोगों को जागरूक किया गया और जो हमारे खेतों में स्थानीय अनाज होता है उससे जो पकवान बनाए जाते हैं वे बनाए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीला देवी ने बताया कि आज पोषाहार दिवस में गांव की सभी औरतों को इकट्ठा कर उन्हें जागरूक करने की कोशिश की गई। जिस तरह से लोगों में खून की कमी हो रही है और कुपोषण बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है ये बताया गया। हम पोषक तत्व रहित भोजन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका निदान संतुलित और पौष्टिक आहार से ही हो सकता है। आज जो है पंचायत धारगोरा में पोषण माह मनाया गया। हम लोगों ने औरतों को इकट्ठे किया, अपनी पूरी पूरी कोशिश की, सबको ये संदेश दिया कि भाई हम लोग जो है आजकल बाजारों पे डिपेंड रहते हैं, बाजार की बनी बाजार से खरीदी हुई हर चीज लाते हैं, जिसमें जो है केमिकल्स है, खादों के द्वारा तैयार की गई है, नेचुरलिटी तो है नहीं। यही कारण है कि हम आज हमारा शरीर बीमारियों का घर बन रहा है। तो हमने औरतों को और सभी श्रोतागणों को ये संदेश दिया। सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जय किशन शर्मा के निधन के बाद उनके घर पहुंचे और स्वर्गीय जय किशन शर्मा को श्रद्धांजलि दी, परिवार के साथ शोक प्रकट किया। इस दौरान सीएम ने जय किशन शर्मा के साथ बिताए पलों को साझा किया। सीएम ने कहा कि पंडित जय किशन के निधन से केवल परिवार ही नहीं बल्कि समाज और पार्टी को भी क्षति हुई है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पंडित जय किशन शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ विधानसभा में विधायक भी रहे हैं और हमने संगठन में बहुत सारी चीजें उनके व्यवहार व जीवन से सीखी हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर पर जय किशन का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। हिमाचल में दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की दहलीज पर पहुंची जयराम सरकार नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर किसी प्रकार के जोखिम के मूड में नहीं दिख रही है। ऊना में सीएम जयराम ठाकुर द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के संबंध में दिया गया बयान काफी हद तक इसे प्रमाणित कर रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इस एक्ट को
जल्दबाजी में लागू नहीं करेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार नए एक्ट को लेकर पूरा अध्ययन कर रही है और उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। वहीं पत्र बम को लेकर कांगड़ा में मचे घमासान पर सीएम ने चुप्पी साध ली और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पक्ष के लोगों ने सोचा था कि हम बहुत कुछ बोलेंगे, घेरेंगे, और उनके बोलने के पश्चात वो चर्चा ही समाप्त हो गई। समाप्त होने का मतलब कि दूसरे हिम्मत ही नहीं कर पाए उन सारे तर्क को, उन सारी बातों को काटने की। तो ऐसा प्रभावी ढंग से अपना बात करने का उनका एक स्वभाव था, और पार्टी के अध्यक्ष के नाते ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारी चीज़ें हमने उनके काम करते हुए जो सीखी हैं वो आज भी काम आती हैं। और मुझे इस बात का दुख है कि परिवार को तो ये क्षति है ही है, समाज को भी है, और साथ साथ में हमारे पार्टी को, हमारे संगठन को बहुत बड़ी क्षति।